जया। बॉलीवुड की किंग कंगना की फिल्म थलाइवी 1 अगस्त को रिलीज हो रही है। इस फिल्म की रिलीज डेट कोरोना के कारण पहले टल गई थी। कंगना की यह फिल्म तमिलनाडु के कद्दावर राजनेता और दिग्गज अदाकारा जयललिता की जिंदगी और उनकी राजनीतिक करियर पर आधारित है। सेंसर बोर्ड ने उनकी फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिया है। यह सर्टिफिकेट थलाइवी के तमिल वर्जन को दिया गया है। बात करें फिल्म थलाइवी की, तो ये फिल्म जे जयललिता से जुड़ी कई दिलचस्प बातों को सामने लाएगी, जिसके बारे में कम ही लोगों को जानकारी है। यह फिल्म कई भाषाओं में बनाई गई है और सभी भाषाओं में इसे एक ही दिन रिलीज की जाएगी। तमिलनाडु के सबसे पावरफुल मुख्यमंत्रियों में से एक रही जे जयललिता के किरदार को कंगना रनौत फिल्मी पर्दे पर उतारने जा रही हैं। कंगना के जन्मदिन पर फिल्म थलाइवी का ट्रेलर रिलीज किया गया, जो जयललिता के जिंदगी के कई अहम किस्सों को बताता है। फिल्म में 1989 की उस घटना का भी जिक्र है जो जयललिता के राजनीतिक करियर में अहम माना गया। जयललिता को लाइमलाइट पसंद नहीं था, लेकिन वो साफ फिल्मों का एक बड़ा नाम बनने के बाद तमिल राजनीति में भी आ गई। 24 फरवरी 1948 को मैसूर में जन्मी जयललिता बचपन से पढ़ाई लिखाई में तेज थी। माँ के कहने पर उन्होंने एक्टिंग में कदम रखा। घर चलाने के लिए जयललिता ने 15 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। जयललिता MGR को अपना गुरु मानती थी। सिमी ग्रेवाल के एक शो रावेंदु विद सिमी ग्रेवाल में उन्होंने कहा था, माँ के बाद MGR मेरी जिंदगी में हम थे, मैं उनका काफी सम्मान करती थी। पब्लिक के लिए वो भगवान थे, लेकिन मेरे लिए वो गुरु थे। जयललिता की जिंदगी में कई तरह के उतार चढ़ाव आए। एक हीरोइन से वो राजनेता बनी, तो वहीं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। उनकी मौत भी रहस्यमय तरीके से हुई, लेकिन आज भी तमिल राजनीति में उन्हें सम्मान से अम्मा कहा जाता है। इस फिल्म के लिए कंगना ने 20 किलो वजन बढ़ाया था। देखना दिलचस्प होगा कि जयललिता के रोल में कंगना पर्दे पर दर्शकों का कितना प्यार बटोर पाती है।